जोहार साथियों, आप सबको आज अखबार के माध्यम से ज्ञात हुआ, हमको भी ज्ञात हुआ कि आगामी सप्ताह, क्योंकि अंग्रेजी में सप्ताह संडे से ही शुरू होती है और सैटरडे को अंतिम होता है, तो सप्ताह की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं 15 तारीख को जमशेदपुर। यह भी ज्ञात हुआ कि राज्य को 2100 करोड़ रुपए का कुछ सौगात टाइप का कोई चीज वो देंगे। उसके बाद मालूम चला कि हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, जो सबसे लंबे समय तक हमारे राज्य की अभिभावक के रूप में रही, 6 साल से ज्यादा उनका कार्यकाल रहा, उनका निर्देशन भी इस राज्य को प्राप्त हुआ। राज्य विरोधी भाजपा सरकार के जो काश्तकारी नियमों में परिवर्तन किए जाने के जो प्रस्ताव थे, उनको यहाँ के राज्यपाल रहते उन्होंने टर्न डाउन किया और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए स्वर्णिम कदम उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 में हमारे झारखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का जो सबक है वो सिखाया। उनका भी प्रवास होगा 19 और 20 तारीख को, और चूंकि हमारा जो जंगल का इलाका है उसमें एक बहुत बड़े हिस्से में लाह का उत्पादन भी होता है, तो उसका जो मुख्यालय है हमारे नामकुम में ही है, जो उसके रिसर्च में काम करता है उसका कोई स्वर्णिम जयंती वर्ष है, तो उस कॉन्वोकेशन में भी वो रहेंगी। और बाद में 21 तारीख को देश के गृहमंत्री भी आ रहे हैं, वो संथाल परगना में जा रहे हैं। इन तीनों के जो विजिट है ये राज्य के लिए एक ऐसा अवसर है, जब राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों के, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार अनवरत है। सरकार का हर पदाधिकारी, हर कर्मचारी उनके द्वार तक जा रहा है, मुख्यमंत्री उनके द्वार तक जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। उस वक्त उनका दौरा है। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी भी भाजपा में शामिल हुए। चंपई सोरेन जी उस चंद नेताओं में एक हैं जो हमारी पार्टी के विचारधारा को बड़ा प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं, और वो विचारधारा, वो हमारा कमिटमेंट सरना धर्म कोड को लागू करना है। और यदि आज
आदरणीय चंपई सोरेन जी यदि प्रधानमंत्री के मंच पर रहेंगे और वो भी ऐसे वक्त पे जब श्रद्धा का जो सबसे बड़ा उपासना है कर्मा पूजा के ठीक बाद, तो एक बड़ा अच्छा अवसर होगा कि चंपई सोरेन जी आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से इस बात की घोषणा करवा दें कि जब जनसंख्या का जब गणना होगी 2025 में तो जातिगत जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड की भी गणना हो जानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व भी बनेगा कि आज उनके जो नेता है उस पूरे कार्यक्रम को जो प्रमुख भूमिका में रहेंगे, जब उनके साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज को शेयर करेंगे और अपना भाषण देंगे तो चंपई सोरेन जी के उस भावना का जरूर सम्मान करेंगे। और जब 21 तारीख को गृहमंत्री, क्योंकि जनगणना उन्हीं के अंदर में आएगा, उस वक्त भी इस बात को वो बोलेंगे और अंतिम मुहर राष्ट्रपति के द्वारा लगना है जो खुद सरना धर्म मल्ली है। जो बाहा सोहराय कर्मा सरूल सबको मानने वाली जाहिर थान लुगुबुरु मारंगबुरु सबके उपासना की जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं उनका भी अंतिम मुहर लग जाएगा, क्योंकि हमको लगता है कि जो बातें प्रचारित हो रही हैं कि रेल परियोजना है 2100 करोड़ का सौगात है, तो बड़े बड़े वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो भाई प्रधानमंत्री से उस दिन 21 करोड़ का जो मिलना है वो तो मिलना है, 1,36,000 करोड़ रुपए का भी जो हमारा बकाया हो वो 15 तारीख को ही ऐलान हो जाए, अन्यथा फिर झारखंड को ठगा जाएगा, फिर झारखंड को भ्रम में डाला जाएगा, फिर झारखंडियों के हकूक को मारा जाएगा, उनकी पहचान के साथ सौदा होगा, उनके राजनीतिक शक्तियों का खात्मा होगा। इसलिए 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि झारखंड जो चाहता है माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसका कद्र करते हैं, क्योंकि हम देश के बाहर के लोग नहीं हैं, हम इस देश में सर्वाधिक देने वाले लोग हैं, हम तो अपने पूरे जीवन काल को सौंपने वाले लोग हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो मूसा बनी जादू बोरा के एरिया में रहते हैं, जो यूरेनियम के रेडिएशन से जो बच्चे अपंग हो रहे हैं,
आयरन ओर के कारण सिंहभूम के इलाके में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, मलेरिया है, श्वास दोष है, कोयले के कारण जो पॉल्यूशन है, जमशेदपुर जहां प्रधानमंत्री आएंगे शहर के बीचों बीच स्टील प्लांट है, उससे निकलने वाला प्रदूषण, उससे निकलने वाला धुआं पूरे शहर के साथ साथ पूरे जिले को अपने आगोश में ले लेती है। रात को जब उस वहां पर भट्टियां जलती है तो लोग पानी को तरस जाते हैं। ऐसे समय में यदि प्रधानमंत्री आकर इस राज्य को निजात नहीं दिलाएंगे उनके समस्याओं से तो हमें फायदा क्या होगा। आपकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो चुकी है, इसलिए आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है। हमने तो सुना शायद 21 तारीख को भाजपा के कई राज्य के सरकारें के जो मुखिया हैं वो भी आएंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्री आएंगे, चुनाव तक पूरा कैबिनेट यहीं बैठ जाए, क्योंकि आप जितना यात्रा निकालेंगे झारखंड की जनता दिसंबर में आपकी अंतिम यात्रा निकालेगी। जब भी चुनाव होगा आपका अंतिम यात्रा तय है, जनता बैठी है, इंतजार कर रही है, कि जब दिसंबर का समय आएगा राज्य में पुनः राजशुमारी होगी, हम लोग पुआल के साथ साथ कच्चा बांस, नारियल का रस्सी, धुआं सारा कुछ तैयार कर बैठे। और हमको लगता है भाजपा के जो राजनीतिक मंसूबे हैं उसका पहला कील 15 तारीख को जमशेदपुर में ठोका जाएगा और अंतिम कील 21 तारीख को भोगनाडी में ठोका जाएगा। जय सरना, जय धर्मा, जय कर्मा। धन्यवाद। अचानक चंपई तक तो ये दोनों चीज आप याद क्यों करा रहे हैं? देखिए चंपई का इस बात के पैरवीकार रहे हैं लोकसभा चुनाव में जब वो हमारे पार्टी के नेता हुआ करते थे, इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हर चुनावी जनसभा में उनका मुख्य मुद्दा सरना धर्म कोड था, इसलिए आज ये दायित्व चंपईदा का है कि चंपईदा यदि भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई स्थान मिला है वो तभी रिलेवेंट होगा, तभी प्रासंगिक होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सरना धर्म कोड की मांग को स्वीकार कर लेंगे। सीधा सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है हलफनामा है और जिसमें संथाल में जिस तरीके से जनसंख्या मुसलमानों की बढ़ी है उसका उन्होंने जिक्र किया है। वो जो आंकड़े जारी किए गए उसमें ये कहा गया है कि
1961 से 2011 के बीच 67.48 फीसदी के दर से बढ़ोतरी हुई है। देखिए देखिए मैंने भी पब्लिक डोमेन में वो एफिडेविट उपस्थित है और मामला अंडर जुडिशियल ट्रायल है, लेकिन ये स्पष्ट एफिडेविट मैं कह सकता हूं कि ये संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को यह पूछा था और संथाल परगना के खासकर जो उपायुक्त है उनको पूछा गया था कि आपके यहाँ की घुसपैठ की संख्या क्या है। राज्य सरकार के द्वारा यह एफिडेविट दिया गया था कि कोई भी चिन्हित घुसपैठिए नहीं है। आज का एफिडेविट आप यदि पढ़ेंगे 51 पेज का एफिडेविट है, आप देखे होंगे कि उस एफिडेविट में घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल नहीं है। उस एफिडेविट में कहा गया है कि 1961 और 2011 के धार्मिक जो सेंसस है कि मुसलमानों की आबादी कितनी हुई, क्रिश्चियनों की आबादी कितनी, ये भ्रम की स्थिति है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से लेकर एपीजी तक वो मुसलमान रहे लेकिन वो घुसपैठिए नहीं थे। अशफाकुल्लाह घुसपैठिए नहीं था। वो पूरा का पूरा जो आंकड़ा है वो इस राज्य में धार्मिक सद्भाव को मिटाने वाला आंकड़ा है। हम पहले ही जानते थे, इस बात को आप लोगों को बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने जा रही है। और यदि घुसपैठिया है तो अमित शाह जी ये जिम्मेदारी ले कि उसके लिए उनका गृह मंत्रालय जिम्मेवार है, रक्षा मंत्री ये जिम्मेवारी ले कि उनके अधीन जो सीमा सुरक्षा का जो दायित्व है उसको वो निभा पाने में असफल रहे हैं। विदेश मंत्री भी ये जिम्मेवारी स्वीकार करे, उन्होंने इस समस्या को कभी भी विश्व पटल पर नहीं रखा या किसी देश के साथ बायलैटरल टॉक नहीं हुआ। राजनीतिक नौटंकी करना बंद करें। भाजपा का हर मंशा हम लोगों को मालूम है। और केंद्र सरकार के एफिडेविट पर डीसी का एफिडेविट को, अरे राजनीतिक तौर पे लड़ो, माफियाओं का मैदान नहीं होता है। आप बताइए 16 महीने से हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस राज्य में आग लगाया, मणिपुर में,
वहां जाकर जिस आग को भड़काया वह आज भी क्यों धधक रहा है? आज क्यों वहां की सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार को पत्र लिखती है कि यूनिफाइड जो कमांड फोर्स है उसको विड्रॉ कर लिया जाए, सेंट्रल आर्म फोर्स को विड्रॉ कर लिया जाए? क्या मणिपुर में आदिवासी नहीं है? वो इस देश का हिस्सा नहीं है? वहां पर आग लगा के पेट्रोल छिड़क कर अब झारखंड में आए हैं आग लगाने? झारखंड जलेगा नहीं, झारखंड जलाएगा। धन्यवाद। मरांडी जी ने आरोप लगाया उनका एफिडेविट में जो नंबर जो पैन कार्ड में गड़बड़ है, तो उसपे जब सामने आया कहीं राजनीति करते हुए जो है विरोधी जो है वो जानबूझ के गलत नंबर सामने करवा रहे हैं। देखिए, हर मामले पे मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जांच निष्पक्ष होता है। और आप जांच से मैं आपकी जो भी आपत्ति होगी, जो उचित प्लेटफॉर्म होगा उस पर बातें रखनी चाहिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत दुखद, देश में आज एक बहुत बड़े चिंतक, संघर्षशील इंसान